उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे बारामूला के उरी सेक्टर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में तीनों आतंकवादियों को मार दिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई से मिली जानकारी के मुताबिक उरी में तीन आतंकी छिपे थे, जिनमें से पहले दो मारे गए, वहीं अब तीसरे आतंकी को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मुठभेड़ स्थल पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार को उस समय गोलियों की आवाज गूंज उठी जब आतंकियों ने अपने ठिकाने की तरफ आते देख सुरक्षा बलों से बच निकलने के लिए गोलियां चलाई। सुरक्षा बलों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और जवाबी फायर शुरू किया। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि घेराबंदी में फंसे आतंकी हाल ही में गुलाम जम्मू कश्मीर से घुसपैठ कर इस तरफ आए हैं या फिर पहले से ही इस इलाके में मौजूद थे। ये मुठभेड़ अग्रिम गांव में हथलंगा के बाहरी छोर पर हो रही है। यहां घना जंगल, नाला और कुछ खाली घर भी हैं। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को बीती रात अपने सोर्सेज से पता चला था कि हथलंगा के पास आतंकियों का एक दल देखा गया है। खबर मिलते ही पुलिस और सेना के एक संयुक्त कार्यदल ने उसी समय घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। सुबह जवान तलाशी लेते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तो आतंकियों ने उनकी घेराबंदी तोड़ भागने के लिए उन पर फायर कर दिया। जवानों ने भी अपनी पोजीशन ली और जवाबी फायर किया। आतंकियों ने जवानों पर राइफल, ग्रेनेड और UBGL भी दागे हैं।